क्यों जा रहे हैं, किसे मिलने जा रहे हैं? कि दिलों में इश्क़े मुस्तफा अपने घर में बच्चों ये मेरे कपड़े प्रेस हो रहे हैं तो बिना प्रेस के लगाए भी नहीं जाते। मैंने प्रेस करके अगर नहीं दिए होते तो लगाए जाते, फिर तो लगाए जाते। जो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, हैरित से आपके दोनों से अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज हम कहीं जा रहे हैं तो आप लोग हमारे साथ बने रहेगा, तो इंशाल्लाह मौका मिला तो हम दिखाएंगे आपको कि हम कहाँ गए थे या कहाँ जाएंगे, हम दिखाएंगे आपको। मौका मिला नहीं, इंशाल्लाह हम दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसे मिलने जा रहे हैं। ठीक है ठीक है, चलो तो आगे व्लॉग में मिलते हैं। हम घर से निकला है तो बाइक इधर खड़ी है, बाइक पे इधर से बैठेंगे और सीधा जाएंगे, आप हमारे साथ बने रहें। अभी मैं बाइक के पास पहुंचने ही वाला हूं तो देखते हैं बाइक साफ़ है कि नहीं। नहीं साफ है तो फिर साफ़ करते हैं, साफ़ नहीं है थोड़ी धूल शूल साफ़ कर ले, फिर इसके बाद देखते हैं आज व्लॉग कैसा बनता है। तो आप बने रहें, हम जा रहे हैं, अभी अभी निकल गए हैं। हम इधर पहुँच गए हैं ज़ियारत पे। ये लंगर का एरिया है, अभी सुबह का टाइम है, लंगर तैयार हो रहा है, तो आज मिलाद भी है, इधर मिलाद भी बनाई जा रही है। स्टेज पीर सैयद ज़ैनुल आबिदीन पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी यारी। मेरी तरफ से आप सबको, सब भाइयों को, बेटों को, सब माओं बहनों बेटियों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये मजीद बुलंदियों की तरफ ले जाए, हमारे दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मजीद बढ़ती जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है कि सरकार मदीना के बाद कोई नबी या पैगंबर नहीं आएगा। ये भी वादा है कि ये फैज रोजे कयामत पे जारी सारी होगा कि जबकि सारे अंबिया सरकार के सामने जिक्र माफी का है। तो दोस्तों यही रहमत का सिलसिला इसी तरह आगे चलता रहेगा। मेरी ये दरख्वास्त भी है और दरबार अली अपना की शरीफ की तरफ से आप सबको पैगाम भी है कि दिलों में इश्क मुस्तफ़ा अपने घर में बच्चों को जो इधर बैठी हैं, ये अपने बच्चों को सरकार की शान बताएं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस हाजिरी को सरकार हजूर बाबा जी पीर हजर शाह मस्त कलंदर गिलानी की नस्बत से हमारे इस मिलाद शरीफ की महफिल को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और हमारी अगर इस हाजिरी में कोई गलती गुस्ताखी है तो सरकार अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करके हमें माफी अता फरमाए। या अल्लाह तो यहाँ पर जो कलिमात तो ये बात पढ़े गए हैं, पाकों का जिक्र हो रहा है, जो खसूस बिलखसूस बाबा जी हजूर की बिना फिर हजर शाह मस्त कलंदर गिलानी के अजगार पढ़े गए हैं, जो ताम पेश किया गया है, जो मिलाद शरीफ का लंगर बनाया है, या मौलाकुल खसूस बिलखसूस नबी करीम राहू रहीम के वसीला से तेरी बारगाह में पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा, अंबिया की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। देखिए देखिए गौर से आलम रंग में, शेर सुनिएगा, देखिए गौर से आलम रंग में, देखिए गौर से आलम रंग में, अरे रंग सबसे निराला है फिर है दर्शा का, मर्तबा कितना आला है फिर है दर्शा का, और सर पे साया है मेरे है दर्शा का। जमाना क्या बिगाड़ सकती है जिसके सर पे हैदर शाह का साया हो, जमाना कुछ बिगाड़ सकती, कुछ जमाना बिगाड़ सकता, कायनात बिगाड़ सकती, जमाने के लोग आज जो ये चूहे निकल गए कुछ बिगाड़ सकता है, बिगाड़ सकता, क्यों? हमें अपनी ताकत के गुरूर नहीं है, हमें तो और ताकत के गुरूर है सुभान अल्लाह, हम औलिया अल्लाह की ताकत से जीत गए। तो जरा शान से कहें, सर पे साया मेरे फिर है दर्शा का, सर पे साया मेरे फिर है दर्शा का,
अरे घर में मेरे उजाला है फिर है दर्शा क्या, घर में मेरे उजाला है मर्तबा कितना आला है, नहीं फिर आप सब पढ़ना मर्तबा कितना आला है फिर है दर्शा का। आमीन या रात का प्रोग्राम खत्म हो चुका है, पीर साहब से मुलाकात भी हो चुकी है, तो आज का व्लॉग इतना ही, अल्लाह हाफिज़।